गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, सभी बीएससी के छात्रों को। आज मैं AGEXT 311 का सब्जेक्ट, इसमें आपका टॉपिक रहेगा टॉपिक है इंटर डेवलपमेंट entrepreneurial development process and business leadership। ठीक, तो आज हम पढ़ेंगे इंटरप्रेन्योरल डेवलपमेंट प्रोसेस। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में तैयार करेंगे। तो आज हम आपको बताएं कि इंटरप्रेन्योरल डेवलपमेंट प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो इसको कहते हैं उद्यमिता विकास प्रक्रिया। बच्चों, उद्यमिता विकास प्रक्रिया, तो आपको कि उद्यमिता विकास की प्रक्रिया के कौन कौन से चरण हैं, तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा बताएंगे आपको, जो साइंटिस्ट अकॉर्डिंग टू AH कॉल के अकॉर्डिंग थी, जिसमें उद्यमिता व्यक्ति या संबंधित व्यक्तियों के एक समूह की उद्देश्यपूर्ण गतिविधि है। मतलब कि उसमें एक उद्देश्यपूर्ण गतिविधि है जिसमें वो अपने कार्य का विकास करता है, मतलब अपने उद्देश्य के जो उसका उद्देश्य होता है, अपने उद्देश्य को लेकर जो कार्य करता है, कौन? एंटरप्रेन्योरशिप मतलब उद्यमिता, जो हमारा एक प्रोसेस प्रक्रिया है, उसमें वह अपने कार्य को अंजाम देता है। तो उसमें सबसे पहले अपना उद्देश्य रखता है, तो क्या एक समूह का उद्देश्य है जिसमें उत्पादन या वितरण द्वारा लाभ को आरंभ करना या बनाए रखना या बढ़ाने के लिए प्रयास करना। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? उद्यमिता मतलब कि एंटरप्रेन्योरशिप। उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट था हमारा अकॉर्डिंग टू चोम्पेटर, ठीक है, चोम्पेटर, तो इन्होंने भी यही बात कही कि उद्यमिता उद्देश्य और व्यवस्थित नवाचार, मतलब कि व्यवस्थित किसी चीज को अगर हम कार्य करते हैं तो सबसे पहले हमें अपनी व्यवस्था तैयार करनी होती है, अपने एक सेटिंग बनानी होती है, और उसमें कुछ न्यू इन्वेंशन मतलब कि नवाचार, तो उसकी खोज करके अपने उस को आगे बढ़ाना होता, मतलब व्यवस्थित करके। मान लीजिए कोई भी हम अगर न्यू वैरायटी सीड है, जैसे कि हम कोई भी छोटा मोटा अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं,
तब उसमें हम देखते हैं कि किसी चीज़ को अगर नई चीज़ होती है तो उसको लोग प्रेफर ज़्यादा करते हैं, उसमें देखते हैं कि इसका बेनिफिट ज़्यादा है, मतलब इसकी क्वालिटी अच्छी है। वैसे ही एक उद्यमिता जो भी कंपनी होती है, एक जो पूरा इंडस्ट्री एक बड़ा वाला स्ट्रक्चर होता है, तो वो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपनी व्यवस्था करता है, उसमें ये सोचता है कि क्या चीज़ हम उसमें मेंशन करें जिससे हमें अच्छा फीडबैक मिले और अपने व्यवसाय को आगे तक ले जाया जा सके, तो जिससे उसको सफलता प्राप्त हो सके। तो इसी प्रकार से इन्होंने सॉम्प्टर ने कहा था क्या व्यवस्थित नवाचार पर आधारित है, केवल स्वतंत्र व्यवसायी बल्कि कंपनी के निदेशक और प्रबंधक की भी शामिल होती है। तो कोई भी कार्य हम करते हैं, कोई भी कंपनी होती है, तो सबसे पहले उसमें क्या होता है कि निदेशक डायरेक्टर होता है उस कंपनी में, और एक मैनेजमेंट भी रखा जाता है। देखो डायरेक्टर अपना दिशा निर्देश देता रहता है कि भाई ये कार्य करना ये करना है, परंतु मैनेजमेंट करने के लिए एक प्रबंधक मैनेजमेंट रखना पड़ता है, मैनेजमेंट अधिकारी रखना पड़ता है कि हमें कितना कार्य किस प्रॉपर ढंग से करना है, उस प्रॉपर चैनल में ला के रखना। तो इस प्रकार से ये परिभाषा हमारी अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए कही गई। ठीक है, अब उसके बाद अब हम वहां जाते हैं रिलेशनशिप, या कह सकते हैं डिफरेंट बिटवीन बिटवीन इंटरप्रेन्योर एंड इंटरप्रेन्योर। ठीक है बच्चों, तो इसमें डिफरेंस क्या हो सकता है, तो हम आपको बताते हैं। इधर इंटरप्रेन्योर रख लेते हैं, इधर इंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, अब एक चीज आपको ध्यान में रखना कि इंटरप्रेन्योर क्या है, उद्यमी है, और ये उद्यमिता है, इसमें बहुत ही डिफरेंस। परंतु इन दोनों की अगर ये दोनों चीज नहीं होंगी तो हम अपना कार्य नहीं कर सकते। तो अब इंटरप्रेन्योर कौन व्यक्ति, तो इसमें कौन होता है, पर्सन होता है, और इसमें कौन होता है, इसमें क्या होती है, प्रोसेस। जब व्यक्ति कोई भी व्यक्ति कार्य करता है तो सबसे पहले वो अपनी कंपनी को प्रेफर करेगा, तो उसमें प्रेफर क्या, उसमें एक प्रक्रिया होती है, तो मतलब कि यहाँ व्यक्ति हो जाएगा, यहाँ उस चीज का प्रोसेस हो, मतलब कि प्रक्रिया हो जाएगी। दूसरा पॉइंट हमारा ऑर्गेनाइजर, ऑर्गेनाइजर, और इधर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उसके बाद इनोवेटर और इनोवेशन। रिस्क बेयरिंग, रिस्क बेयर, और इधर रिस्क बेयरिंग, क्रिएटर। नेक्स्ट पॉइंट क्रिएटर, इधर क्रिएशन, लीडर और लीडरशिप। और पॉइंट है, तो इस प्रकार से इसमें पर्सन हो गया, इसमें प्रक्रिया प्रोसेस हो गया, इसमें ऑर्गेनाइजर मतलब कि जो ऑर्गेनाइज करता है, एक कार्यकर्ता होता है, और ये एक संगठन होता है।
ये नव प्रवर्तक होता है और ये एक नवाचार होता है, मतलब कि ये नव प्रवर्तक और ये नवाचार। रिस्क बियर मतलब कि जोखिम उठाने वाला व्यक्ति होता है और इसमें जोखिम उठाकर मतलब जोखिम उठाता है उसमें कार्य करता है। उसके बाद क्रिएटर, क्रिएटर समझ गए, इनोवेटर क्रिएटर, तो ये क्रिएट मतलब कि जो कार्य करने वाला व्यक्ति होता है और क्रिएशन इसमें वो क्रिया की जाती है। लीडर तो आप जानते हैं, इसमें नेता होता है और इसमें नेतृत्व होता है। तो जब लीडर होगा और जब लीडरशिप, तो जब लीडरशिप होगी तभी तो हम अपना नेता बन सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास कोई ऑप्शन है, तो जब तक कि हम हमारा कोई निर्देशक कोई कोई भी अगर हमारा हमारे ऊपर हमारा नेतृत्व करने वाला नहीं होगा तब तक हम अपने नेता नहीं बन सकते। कहते ना जैसे कि जब पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं तो बहुत सारे नेता बन जाते हैं कि भाई मेरा तो नेतृत्व करने वाला है, मैं अपना उससे कार्य करा लूँगा, मैंने फ़ोन किया अपने नेतृत्व मतलब लीडरशिप अपने जो हमारा नेता है बड़ा अधिकारी है। नेता तो अपने गांव में रहते हैं, बहुत सारे नेता होते हैं अपने क्षेत्र में, नेता होते हैं सिटी में, नेता होते हैं, क्योंकि कहते भाई अरे ये तो बहुत बड़ा नेता है। तो आप जानते हैं नेता तो हर जगह नेता होते हैं, परंतु नेता किसके ऊपर कूदते हैं, लीडरशिप मतलब कि नेतृत्व के ऊपर कूदते हैं कि हमारा दिशा निर्देश कौन करेगा, हमें कौन बचाएगा। तो यही कार्य है कि हमें एंटरप्रेन्योरशिप, जब तक कि हमारा उद्यमी करने के लिए कोई अगर हमारी कंपनी नहीं होगी, कोई अगर जब तक कोई प्रोडक्ट कोई नवाचार खोज नहीं होगी और उस चीज़ को अगर हमारे पास नहीं होगी तो हम उसको बेच कर सकते हैं, हम उसको कार्य कैसे करते हैं। तो व्यक्ति जब तक उसके पास जब हमारी इस कंपनी के पास कुछ नहीं है तब ये पर्सन का भी कोई काम नहीं है। ये कोई भी चीज़ को रिलीज करता है तब ये व्यक्ति वहाँ से उठाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये तो हमारे डिफरेंस हो गए या कह सकते हैं रिलेशनशिप। ओके, अब आ जाते हैं प्रोसेस पे। तो हमारे अब मान लीजिए इंटरप्रेन्योर ठीक है, बहुत बड़ा हो गया, ऐसे करके कर लेते हैं। फिर उसके बाद आया था इसके बाद इंटरप्रेन्योर, इसके बाद आ जाता है इंटरप्राइजेज, इंटरप्राइजेज ठीक। तो क्या है ये, तो हम क्या करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, प्रोसेस ऑफ एक्शन मतलब एक प्रक्रिया, मतलब एक कार्य करने वाली एक प्रक्रिया है। और ये क्या है, ये व्यक्ति है, पर्सन है, और ये व्यक्ति क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ध्यान रखना बहुत अच्छी बात है कि यहां से कार्य हमारा स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद इस व्यक्ति ने वहां से सारे प्रोडक्ट खरीदे और खरीदे के बाद छोटे छोटे इंटरप्राइजेज मतलब छोटी छोटी दुकानें चलने लगी। तो इस प्रकार से ये हमारा क्या है, रिलेशनशिप अमाउंग इंटरप्रेन्योर इंटरप्रेन्योरशिप। ओके, तो इस प्रकार से आप इसको बता सकते हैं। अब उसके बाद रोल ऑफ गवर्नमेंट, रोल ऑफ गवर्नमेंट
इंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम। इंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे प्रोग्राम हैं जो हमारे इन प्रोग्रामों को बढ़ावा देने के लिए चलाए गए हैं। तो जैसे कि मान लीजिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, बहुत जो लोगों को शिक्षित करके उन्हें रोजगार प्राप्त करने के लिए सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराते हैं और उनको सिखाया जाता है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत जो ऐसे व्यक्ति हैं कि जो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो काम करना सीखना चाहते हैं, अपने व्यवसाय खोलना चाहते हैं, तो उनको उसमें सुविधा दी जाती है और भारत सरकार द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट उनको शिक्षित किया जाता है, जिससे कि वो अपना व्यवसाय आसानी से कर सके। उसके बाद स्टार्टअप ऑफ इंडिया प्रोग्राम चलाया गया, जिसमें भी लोगों को बहुत सारे टास्क दिए गए थे और उसमें उनको जो भी कार्य करने की क्षमता, ट्रेनिंग, वो सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड कराई गई थी। उसके बाद स्किल डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम, तो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में भी उनको सारी चीज़ें जानकारी दी गई थी और उनकी जो अंतरात्मा कहती है, जो उनके बारे में विचार कहते हैं कि उनको किस प्रकार से बाहर निकाला जाए और उनको उनके मकसद के लिए कैसे तैयार किया जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट हमारा इसी में डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। अब आप जानते हैं डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, तो जब अब हमारे देश में डिजिटल हो गया हर चीज़, आज भी हम ऑनलाइन क्लासेस चालू कर रहे हैं आज भी, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी जी ने इतना कुछ कर दिया अपने शासनकाल में कि लोग अब डिजिटल का फ़ायदा भरपूर उठाने लगे और उसके माध्यम से बहुत कुछ सीखने लगे। क्योंकि कोई भी चीज़ ऐसी होती है कि हमें दफ्तर जाना पड़ता है, कहीं जाना पड़ता है, तब हमारा कार्य सक्सेस होता है, परंतु आज हम घर बैठकर भी अपने मोबाइल इंटरनेट के द्वारा अपने कार्य को आसानी से कर सकते हैं घर बैठे ही, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम मेक इन इंडिया। तो मेक इन इंडिया का मतलब कि हमारे जो इंडिया के बनाए हुए जितने भी सॉफ्टवेयर, जितने भी लॉन्च की गई वेबसाइट, उनके माध्यम से जागरूक करके उनको उनसे कनेक्ट करके कार्य को आगे बढ़ाना, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारे इसमें गवर्नमेंट रोल निभाती है। अब उसके बाद अब आ जाते हैं हम इंटर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोसेस। ठीक है, तो अब डेवलपमेंट प्रोसेस आपका ये है, तो इसमें अब हम आपको बताते हैं कि इस प्रकार से हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो इसमें हमारा डेवलपमेंट प्रोसेस में तीन चरण होते हैं। तो पहला चरण होता है हमारा स्टिमुलेटरी, जिसको हम कहते हैं हिंदी में उत्तेजक चरण। क्या कहते हैं? उत्तेजक फेजेज चरण। तीसरा पॉइंट हमारा, दूसरा पॉइंट हमारा है सपोर्ट। सपोर्ट को हिंदी में कहते हैं सहयोग या कह सकते हैं इसको समर्थन भी कह सकते हैं, ठीक है बच्चों। तीसरा पॉइंट आपका है सस्टेनिंग। इसको कहते हैं स्थाई। तो इस प्रकार से हमारे ये तीन चरण होते हैं। अब तीन चरणों का कार्य क्या क्या है, तो आपको हम वन बाई वन करके बताते हैं।
तो पहला यहां पे क्या था हमारा, स्टिमुलेटरी। दूसरा था सपोर्ट। तीसरा था हमारा सस्टेनिंग। ठीक है, तो ये हमारा कार्य यहाँ आया, उसके बाद इसका इसने इसका कनेक्ट हुआ और ये यहाँ पे, और उसके बाद ये पुनः फिर वही थी। मतलब कि फीडबैक, मतलब कि एक मैसेज। अब ये उत्तेजक का मतलब है हमारा जागरूक करना, और यहां सपोर्ट का मतलब सहयोग करना विधियों में। तो यहां पे हम क्या कह सकते हैं, कि यहां लोगों को हम जानकारी लेके उनके बारे में, उसके बारे में विचार करके विधि बनाना, सहयोग जो भी व्यवस्था हो उसमें हम करनी चाहिए। और इसमें लोगों को के बारे में जानने के बाद इसमें हमें उनको जागरूक किस प्रकार से कर सकते हैं, उनको क्या बता सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम उनके अधीन क्या कार्य हम कर सकते हैं। मतलब हमें करना है जनता के अधीन, जनता के अकॉर्डिंग हम सारे कार्य करेंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा हमारा सपोर्ट। तो इसमें हम क्या करते हैं कि एक ये विधि है, वहां तो हमारा क्या है, ये लक्ष्य है। लक्ष्य है ये कि हमें अपने लक्ष्य को निर्धारित करना है कि हमें क्या क्या कार्य करना है। इसमें इसमें सहयोग, इसमें हमें क्या, अब इसमें हमें प्लानिंग करनी है। तो इसमें पहला पॉइंट यूनिट का पंजीकरण कराएंगे, किसी भी प्रकार के वित्त की व्यवस्था करना, मतलब कि इसमें हम कह सकते हैं कि सारी प्रक्रिया हम इसमें कार्य करते हैं, जितने भी हमें जरूरत पड़ती है मशीनरी का प्रबंध करना, उसको किस प्रकार से कार्य करना, उसमें कैसे अपने माल को, जैसे आर्थिक कच्चा जो कच्चा माल है उसको हम किस प्रकार से प्रोवाइड करा सकते हैं। तो इस प्रकार से अपनी मार्केट को भी चुनाव करना कि हमारी मार्केट कहाँ हो सकती है, उस मार्केट में कैसे अपने इसको प्रोडक्ट को भेजा जाए, तो ये भी इसका भी हमें चुनाव करना होता है। तो इस प्रकार से ये हमारा सपोर्ट करता है। उसके बाद स्थाई, इसका कार्य ये है, तो ये तो लक्ष्य हो गया और ये हमारा क्या हो गया, विधि हो गई। ये विधि के अकॉर्डिंग हम सारे कार्य करेंगे और ये हमारा कह सकते हैं फीडबैक स्थाई। इसमें हम ये देखते हैं कि हमारा जो कार्य है वो किस हद तक, कितनी ऊंचाई तक जा रहा है, कितने किस प्रकार से हमारे इसमें कार्य हो रहे हैं, और उस चीज को हम इसमें मेंशन करते हैं। और भी देखते हैं कि हमारा कंपनी, हमारी जो जो भी कार्यशील जो हम कार्य कर रहे हैं उसमें कितने हद तक सफलता मिल रही है, कितने सफलता, और उसमें हम ये भी देखते हैं कि विफलता का कारण क्या है और सफलता आगे और इसमें मुनाफा पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ करने के बाद फिर वहीं आ जाते हैं और उसके बाद ये, तो इसको हम कहते हैं इंटरप्रेन्योरियल साइकिल, मतलब कि उद्यमिता चक्र, उद्यमिता चक्र। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार आप लिख लेना आपकी पीडीएफ में, मैंने भेज दी है, और ये आपको बहुत ही अच्छे से करना है। और ये लेक्चर आपका 8th होगा जो भी है, तो मैं आपको लेक्चर लिख दूंगा इस पर। तो ये आपको अपने नोटबुक में पढ़ना है, और कोई भी दिक्कत आती है आपको तो आप ध्यान से पढ़ें, देखें पॉइंटों का मतलब क्या है, क्या ये बताना चाहता है हमको, हमें उसमें एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जिससे कि हम समझ सके। ठीक है, आप ये सोचते हो कि सर हमें यहाँ बता देते हैं, हम ऑनलाइन हम पूछना चाहते हैं तो हम पूछ नहीं सकते, तो कृपया आप अपने दिमाग को अच्छे से यूज करें जिससे कि आप कुछ सीख जाएं,
और सीखने के बाद आप अच्छा कुछ कर सके। ठीक है, मेरी आपसे यही उम्मीद है कि आप बहुत ही अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे। ठीक है बच्चों, तो आज का लेक्चर हमारा यहीं समाप्त होता है। थैंक यू क्लास।